रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1962 के चीन युद्ध के बाद 21 सितंबर 1961 में हुई थी। इसके एजेंट देश से बाहर एक्टिव रहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं भारत के उन 5 जासूसों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा था बल्कि उनका नाम सुनते ही पाकिस्तान बेचैन हो जाता था। नंबर 1, आर.एन. काव। इनका पूरा नाम रामेश्वर नाथ काव है। इन्होंने ही भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को बनाया। 1962 में चीन युद्ध में हार के बाद काव ने इंदिरा गांधी को एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग बनाने का सजेशन दिया था। काव की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जासूसों में की जाती है। काव तो थे इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी एडवाइजर, लेकिन वो मीडिया से दूर ही रहते थे। उन्हें बमुश्किल 1-2 बार ही कैमरे में कैद किया जा सका। नंबर 2, अजीत डोभाल। इन्हें इंडिया का रियल जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। डोभाल ने 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर काम किया। नॉर्थ ईस्ट में भी काफी सक्रिय रहे। 1999 में जब भारतीय प्लेन को हाईजैक किया गया तब डोभाल सुर्खियों में आए। डोभाल ने ही कंधार जाकर आतंकियों से समझौता किया। अभी डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नंबर 3, रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक को टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1975 के दरमियान रविंद्र ने रॉ ज्वाइन किया। नवी अहमद के नाम से रविंद्र पाकिस्तान में अंडरकवर रहे। रविंद्र को थिएटर में दिलचस्पी थी, इसीलिए अभिनय में वो माहिर थे। पर 1983 में पाकिस्तानी आर्मी ने एक रॉ एजेंट को गिरफ्तार किया और उसने रविंद्र का भेद बता दिया। रविंद्र को पकड़ लिया गया और उन्हें मौत की सजा दे दी गई। नंबर 4, कश्मीर सिंह। ये भारतीय जासूस पंजाब के रहने वाले हैं। इन्होंने करीब 35 साल तक सजा काटी। थर्ड डिग्री सहा लेकिन कभी भारत के खिलाफ नहीं गए। सबूत नहीं मिलने की वजह से कश्मीर सिंह को साल 2008 में रिहा कर दिया गया। और नंबर 5, सरस्वती राजामणि। सरस्वती राजामणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करती थी। सुभाष चंद्र बोस ने सरस्वती राजामणि को जासूसी का काम दिया था। इन्होंने ब्रिटिश के साथ काम किया। पुरुष भेष में ब्रिटिश इन्हें पहचान नहीं पाए। तो ये थे भारत के वो 5 जासूस, या कहें भारत के जेम्स बॉन्ड, जिनसे पाकिस्तान खौफ खाता था। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।